हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। मैं ऑरेकल्स को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। ये जेंडर रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती तो नो कॉन्टैक्ट के टॉपिक पे मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, वो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आप स्क्रॉल करके चैनल चेक कर सकते हैं टॉपिक्स और भी, ठीक है। जो आपको पसंद आए वो टॉपिक आप देख लें। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आती हैं आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ मैनेजर स्प्रिट गाइड मुझे बताइए नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट में उनके माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ माई एड्रेस एंड स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। बॉडी एंड सोल, ग्रेट बिग लव। उनको ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ का ये फुलफिल लव है जो उनको फुलफिल करता है, उनका उनके उनके उनको कंप्लीट करता है। अ पावर मूव, कोई मूवमेंट होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ लॉक दिख रहा है और यहाँ पे की लग रही है, किसी डोर की चाबी, कोई दरवाज़ा खुलने वाला है आपके रिलेशनशिप में, कोई डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। स्मोक एंड मिरर, जितनी भी क्लाउडिश आपकी कोई सिचुएशन थी, क्लाउड सारे रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। अ बस्ट ऑफ मैजिक, कोई मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आपके पार्टनर इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है और यूनिवर्स आपके पार्टनर को उसके लिए रेडी कर रही है, ठीक है। अर्थ मैजिक, यहाँ भी मैजिक है, वहाँ भी मैजिक है, कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से। अ हाई व्यू, आपको अपना जो थिंकिंग पैटर्न है और किसी चीज़ को भी देखने का नज़रिया, उसको बड़ा रखने पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकन ओपन, आप लोग की हीलिंग भी हो रही है, जो आप लोग के ब्रोकन हार्ट हैं उनको हील किया जा रहा है, इसका मतलब ये है। कॉल ऑफ द म्यूज़िक, आप लोग कोई ना कोई ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जो आप लोग को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। शाइन थ्रू, कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग है, कोई ना कोई ऐसा म्यूज़िक है जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है और आपको कहा जा रहा है हायर पावर की तरफ से कि आप लोग बियॉन्ड इल्यूजन, अपने इल्यूजन से बाहर निकल के सोचें, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ बिग सोचें। अभी की सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन मेकिंग मत करें अपने रिलेशनशिप में। जो मुझे मेन इस पूरे स्प्रेड को देखकर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, मिरेकल होने वाला है, इम्पॉसिबल चीज़ आपके रिलेशनशिप में एक पॉसिबिलिटी की तरफ जा रही है। ग्रेट बिग लव, आपकी लाइफ में एक ऐसा डोर ओपन होने वाला है जो आपको इम्पॉसिबल लगता था। प्लीज़ मैनेजर स्प्रिट गाइड मुझे बताइए बॉडी एंड सोल, यहाँ पे कार्ड क्यों आया। प्लीज़ मैनेजर स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करें, यहाँ पे बॉडी एंड सोल क्यों आया। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपने सोल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप की तरफ मूवमेंट लेने के लिए वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में किया, या तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनकी सोल को टच किया है। इट मीन्स आपके जैसा पर्सन उनको कभी भी ऐसा फील कभी नहीं हुआ जो आपसे मिलकर हुआ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पाते। ग्रेट बिग लव, वो इस लव से इस जो भी उनकी लाइफ टाइम लव है इससे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे, क्योंकि ये बहुत रेयर और रियल था, ठीक है। उनके लिए ये ऐसा लव था जो उनको ट्रिगर कर रहा था, जिस उनको भी पता है उन्होंने बहुत डिफेंसिव रहा है इस रिलेशनशिप से, आपसे आपकी तरफ करीब आने से बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन डिफेंसिव रही है, ठीक है। अ पावर मूव, क्लैरिफाई अ पावर मूव।
दी हेरोफेन, आप पावर मूव को क्लैरिफाई करा हेरोफेन ने। कोई मेंटोर हो सकता है, किसी से वो गाइडेंस ले रहे हो सकते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन उनको कोई, जिससे भी उन्होंने गाइडेंस ली है, कोई मेंटोर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उसने बताया है कि ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको मूवमेंट करनी चाहिए, ये आपका फेटेड रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। स्मोक एंड मिरर, क्लैरिफाई स्मोक एंड मिरर। किंग ऑफ फ्रेंड्स, किंग ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर अब क्लियरली इस रिलेशनशिप की चीज़ों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले उनका थिंकिंग पैटर्न जो है, उनका उनकी स्लिपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, आप लोग का ऐसा हो सकता है 2 मंथ से नो कॉन्टैक्ट है, या आप लोग के बीच साइकिल्स बहुत चली हैं, जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच के एक रियलाइजेशन के फेस में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो उनको ऐसा लगता है आप उनको मिरर करते हैं, आप भी उतने ही अट्रैक्टिव हैं जितने वो खुद एक अपनी कम्युनिटी में उनकी एक जो उनका जो रुतबा और ओहदा है, जितने वो स्ट्रॉन्ग है उतने ही आप हैं, आप उनको मिरर करते हैं, उनको वो जब वो खुद को देखते हैं तो आप नज़र आते हैं। वो कुछ इस चीज़ की उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप बर्स्ट ऑफ मैजिक, 8 ऑफ पेंटिकल, मैजिकली आपको फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो एफर्ट करना चाहते हैं, वर्क पुट इन करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए अपने करियर पे भी वर्क कर रहे हैं। क्लैरिफाई फीलिंग द वर्ल्ड, पीस माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए क्लैरिफाई फीलिंग द वर्ल्ड। आपको आपके पार्टनर वर्ल्ड समझ रहे हैं, अपना कुल कायनात की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उनके इमोशंस को आप समझ पाते हैं आज तक कोई समझ नहीं पाया, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी नज़रें बाकायदा आप पर हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो दूर जा रहे हैं, हम दोनों की बातचीत ख़त्म हो गई, चीज़ें एंडिंग की तरफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी नज़रें कम्प्लीटली आपकी तरफ है, उनका टैप आपकी तरफ है, वो आपके अकाउंट्स आपको स्टॉकिंग फेस में, ठीक है। अर्थ मैजिक, प्लीज मैजिक एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे अर्थ मैजिक का कार्ड क्यों है। प्लीज मैजिक एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे अर्थ मैजिक कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अर्थ मैजिक, आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहते हैं, हैंगआउट करना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो हैंगआउट करना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, अपनी अपने रिलेशनशिप को एक बाउंड देना चाहते हैं, एक आपका जो बाउंड था उसको मजबूत करना चाहते हैं, जितना भी जो भी आप लोगों के बीच फाउंडेशंस थी उनको मजबूत करना चाहते हैं। अ हायर व्यू, आपको कहा जा रहा है अपने 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 प्रस्पेक्टिव को चेंज करें अपने पार्टनर की तरफ देखने का, ठीक है। आप अपनी सोच को बड़ा करें, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये पार्टनर मेरे लिए इस तरीके का ऐसा मूव लेगा, ठीक है, जिसको मैं इतने टाइम से चेस कर रहा हूँ, जिसको मैं इतने टाइम से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, वो अचानक मेरी लाइफ के लिए इतना बड़ा स्टेप लेगा। क्लैरिफाई ब्रोकन ओपन, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे क्लैरिफाई करें यहाँ पे ब्रोकन ओपन का कार्ड क्यों है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मुझे ब्रोकन ओपन से समझ में आई ये जजमेंट, ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, ये सब डिवाइनली गाइडेड था, आपकी कोई प्रेयर थी जो अब वो विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, आपने कुछ पास्ट में मैनिफेस्ट किया था, एक एंडिंग हुई है और एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ये एंडिंग आई है, पहले आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल एंड हुआ है, ऐसा एंड हुआ है जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, एक काफ़ी टाइम्स आप लोग के बीच साइकिल चली है, लेकिन ये एक अनोखे तरीके की एंडिंग हुई थी, क्योंकि इस साइकिल को ख़त्म होना था, बंद होना था आप दोनों के बीच, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कोई आपके लिए लव ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, कॉल ऑफ द म्यूज़िक, आप लोग के बीच ये जो एक सैडनेस आई है, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन आई है, जितना सैड आप हैं उतने ही सैड आपके पार्टनर भी हैं। कॉल ऑफ द म्यूज़िक, वो आपको याद करके सॉन्ग सुन रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ आपने शेयरिंग की होगी, कुछ ना कुछ आपका लिंकअप होगा, किसी ना किसी तरीके से लिंक है आपका किसी सॉन्ग से, जो उसको रिमाइंड कर रहे हैं। जितने सैड आप हैं इस 8 ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाने में, उतने ही सैड आपके पार्टनर भी हैं, वो वापस इस रिलेशनशिप को रिन्यू करने आ रहे हैं।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, वो इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। दी एम्परर चार्ज लेने वाले हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन ख़त्म होने वाली है आपके बीच, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक लॉस पॉइंट पे हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक लॉस की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो इस एंडिंग को सोच सोच कर उनको उनको उनका दिल एक टूट रहा है, और ये यूनिवर्स ने करवाया है। वो कभी भी आपको आपको वैल्यू नहीं करते थे, कभी भी वो आपको वो वैल्यू देते नहीं थे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। यूनिवर्स ने आपको दूर करके उनको बताया कि क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आपकी, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर नेक्स्ट वन वीक में कुछ करने वाले हैं। फ़िलहाल तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हैं, सोचे जा रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद वन वीक के बाद सोचना शुरू करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, इस साइकिल को एंड करके एक न्यू साइकिल बिगिन करने का। बिल्कुल आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, वन वीक के बाद आपके पार्टनर कोई ना कोई एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में पुट करने के लिए। बिल्कुल सिक्स ऑफ कप्स, आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आपको मिलने वाला है। ये पार्टनर आपको कोई ना कोई ऑफ़र प्रोवाइड करने वाले हैं इस वन वीक के अंदर अंदर। ये उनका एक्शन था, काफ़ी टाइम तक तो वो ख़ुद को ब्लेम करते रहेंगे, कॉन्टम्प्लेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे सिचुएशन के बारे में, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या तुम्हारी गलती थी, क्या मेरी गलती थी, क्या रियलाइजेशन होती रहेंगी उनको। उसके बाद उनको लगेगा वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उनके मैनिफेस्टेशन के बाद भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अपनी ज़िंदगी में अलग अलग जगह इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपके पार्टनर सोचेंगे ऐसा ना हो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, वो मूवमेंट कर लेंगे, वो आपकी तरफ एक ऑफ़र के साथ आ जाएंगे, ठीक है। वो अगर आप मैरिज चाह रहे थे तो आपको मैरिज मिलेगी, अगर आप कोई कमिटमेंट चाह रहे थे, वैसे अभी मैं बताऊँ ये कोई अभी कोई फाउंडेशन को मजबूत करने का कोई स्टेप लेने वाले हैं आपके पार्टनर इस वन वीक के अंदर अंदर, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में अब मैं देखूँगी आपके लिए एडवाइस क्या है। मेरी आवाज़ बैठ रही है, मैं चेक करूंगी कि आपके लिए इस रिलेशनशिप में एडवाइस क्या, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर लूं, फिर मैं आपके लिए एडवाइस चेक करती हूं कि क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए। पहले मैं एडवाइस चेक करती हूं इस रिलेशनशिप के लिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए। प्लीज एंजल साइंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस, उनको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल साइंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ माय एंजल साइंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रूट ऑफ अबंडेंस, आपको अपनी रूट को मजबूत करना चाहिए। जो आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो बुनियाद डली हुई उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, तो वो सही वो इस रिलेशनशिप के लिए सही एक सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल सही चल रही है। बर्ड्स ऑफ अ फैदर, आपको कहीं ना कहीं फैदर नज़र आ सकते हैं बर्ड्स के, और आपको एक एडवाइस है बर्ड्स को फीड कराएं। अगर आप उनको दाना डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उनके लिए, आप उनके लिए वो करें, बर्ड्स को फीड कराएं। कॉल ऑफ द म्यूज़िक, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर म्यूज़िक में आपको मैसेज दे रहे हैं, ऐसा कोई म्यूज़िक जो आपके सामने बार बार आ रहा है और जिसको आप गुनगुना रहे हो सकते हैं बिना वजह बैठे बैठे, कोई ना कोई मैसेज है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ओपन टू डिस्कवरी, कुछ ना कुछ डिस्कवर होने वाला है इस रिलेशनशिप में, कुछ न्यू डिस्कवर होने वाला है, ठीक है। विश अपॉन अ स्टार, आपने कोई ना कोई विश करी थी स्टार्स से, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सीक्रेट रेवलेंस, आपके लिए कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। द ऑरेकल्स गिफ्ट, आपको यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपने इस रिलेशनशिप में एक वर्क किया, वर्क पुट ऑन किया,
टाइम मशीन आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, टाइम चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में न्यू डिस्कवर होगा। आपके लिए म्यूजिक्स में मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। रूट्स ऑफ अबेंडेंस, आपको अपनी रूट्स मजबूत करनी है। रिलेशनशिप की बुनियाद पुख्ता नहीं है, पक्की नहीं है, इट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप दोनों की पर्सनैलिटी में बैलेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ही इम्बैलेंस हो, आप भी हो सकते हैं। आप खुद को भी बैलेंस करें, अपने पार्टनर को भी बैलेंस करें और नेगेटिविटी को रिलीज करें, ठीक है। आपकी कोई विश थी जो आपने कभी मांगी थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये ऐसा हो सकता है आपने 5 साल पहले कोई विश करी थी, वो आपकी फुलफिल होने जा रही है, ठीक है, वो विश कंप्लीट होने जा रही है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।